जनजाति के लोग हैं, भगवान वाल्मीकि के अनुयायी हैं, बाबा साहब के मानने वाले हैं, संतमणि गुरुदास जी के अनुयायी हैं, तो वो चुप नहीं बैठने वाले हैं और इनका बाजा बजा के रहेंगे आने वाले चुनाव में। की प्रक्रिया चल रही है, इसमें केंद्रीय कमेटी ने फैसला किया है। अभी हमारे संत सुखदेव महाराज जी ने, जो केंद्रीय कमेटी के हेड हैं, उन्होंने घोषणा की है कि अब आज जो आंदोलन खत्म हुआ है, इसके बाद हमें प्रमुखता से बच्चों की रिहाई के ऊपर ही ध्यान देना है और सरकार के अंदर जाकर के अपनी बात को रखना है और कोर्ट के अंदर भी जोरदार तरीके से पैरवी करनी है। सर, 10 तारीख के जो प्रोग्राम है वो तुलगाबाद मंदिर के ऊपर है, तो ये 6 बच्चे अभी जो गिरफ्तार हुए, तो वो कब तक रिहा मतलब हो जाएंगे? देखिए, ये कोर्ट की प्रक्रिया है, मैंने भी आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि इसमें पूरी कोशिश की जाएगी और इसमें बच्चों को बेल आउट कराने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। केंद्रीय कमेटी की ओर से सुखदेव महाराज जी ने भी यहाँ घोषणा करी है कि अगला हमारा लक्ष्य वही है, 10 अक्टूबर से पहले हमारी कोशिश रहेगी कि सारे बच्चे जेल से बाहर आ जाएं। और केवल 96 बच्चों की बात नहीं है, 97 बच्चे पंजाब की विभिन्न जेलों में भी बंद हैं, उन सबके लिए भी प्रयास हो रहा है कि सारे बच्चे जेल से बाहर आ जाएं। सर, आपसे एक सवाल है जो सबसे अलग है। 2018 के बाद में दलितों ने जितने भी आंदोलन किए हैं वो या तो जेलों में पड़े हैं, उनमें जो अधिकतर लोग या उनकी जमानत नहीं हुई है, वो उनको कानूनी तौर पर उनको जो निशाना बनाया जा रहा है, क्या लगता है? देखिए, ये कहीं ना कहीं दलितों को दबाने की कोशिश है। देखिए, इसके पीछे एक साजिश है, सुनियोजित साजिश है। ये हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन, जो विभिन्न घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो शबीरपुर कांड हो, चाहे वो गोहाना कांड हो, चाहे और अन्य कितने कांड हो, उन चाहे ऊना कांड हो, अगर हमारे लोग उसके विरोध में वहाँ धरना प्रदर्शन के लिए निकलते हैं तो उस आंदोलन को हिंसक बनाने का प्रयास सरकार की तरफ से होता है। सर, हिंसक तो होता है, इसके अलावा जो कानूनी पतड़ी में फंसा दिए गए हैं बहुत सारे हजारों दलित, ऐसे ये कैसे मैं पत्रकार बंधु उसी के बारे में बता रहा हूँ कि हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं, आंदोलनकारी साथी हैं, जो विरोध के लिए सड़क पर उतरते हैं, उनको जानबूझ करके हिंसा करा करके, हिंसा के माध्यम से, हिंसा का बल लेकर के, हिंसा का सहारा लेकर के हमारे लोगों को, हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं को, नेताओं को जेल में ठूसा जा रहा है, जिससे हमारा समाज प्रतिनिधित्व विहीन हो जाए, हमारी लीडरशिप खत्म हो जाए और जोर जबरिया इनके खिलाफ कोई आंदोलन ना हो सके। परंतु इनसे ना लीडरशिप खत्म होगी, ना हमारे आंदोलन खत्म होंगे। जेल में जो बंद बच्चे हैं वो जेलों से बाहर आएंगे और इनके खिलाफ अन्याय के खिलाफ बिगुल बज चुका है। सर, 1 महीना हो चुका है तुगलकाबाद वाले मामले में, जो छाने में लोग गिरफ्तार हैं, उनमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसमें बताया गया कि दो लोग जो सरकारी जॉब करते हैं वो गिरफ्तार हैं, एक जो अधिवक्ता हैं वो भी गिरफ्तार हैं, इसके अलावा जो यंग जनरेशन है, जो नई युवा पीढ़ी उसमें आंदोलन में उस दिन आई थी, छाने में लोगों में बहुत सारे वो युवक भी हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, किसी को तैयारी करनी है, ऐसे में उनकी जिंदगी कैसे सफल हो पाएगी? उन पर एक जब कलेक्टर सर्टिफिकेट बनता है किसी भी सरकारी जॉब के लिए, तो कहीं ना कहीं वो उन पर FIR हो गई है, उन पर एक आंदोलन का धब्बा लग गया है, क्या वो सक्सेस हो पाएंगे इस तरह? देखिए, इसमें हमारी सरकार से मांग है कि हमारे सारे निर्दोष बच्चों को, जो 21 अगस्त को यहाँ आंदोलन में शामिल हुए थे, संतमणि गुरुदास जी के मान सम्मान को बचाने के लिए, तुगलकाबाद के मंदिर को बचाने के लिए यहाँ आंदोलन में शामिल हुए थे, उन निर्दोष बच्चों को बिना शर्त रिहा किया जाए और सारे मुकदमे वापस लिए जाएं, इस बात पे हम जोर दे रहे हैं। सर, 1 महीना हो चुका है तुगलकाबाद वाले आंदोलन को, जिसमें छाने लोग गिरफ्तार हैं, अभी तक कोई जमानत की इसमें प्रक्रिया हमें लगता है सकारात्मक शुरू नहीं हो पाई है, अभी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है कि आसानी से उनकी जमानत हो जाए, क्या लगता है? क्या जो दलित समाज में, जो बहुजन समाज के वकील हैं, क्या वो कहीं काबिल नहीं है या वो आगे नहीं आ रहे निकल करके? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमारे वकील जो काबिल वकील हैं, चाहे वो हमारे बहुजन समाज के हैं, चाहे वो हमारे गुरु भक्त हैं, संतमणि गुरुदास जी के अनुयायी हैं, या जो भावना हमारे इस आंदोलन से रखते हैं, गुरु भक्त हैं, उन सबके पूरे प्रयास लगे हुए हैं कि बच्चों की रिहाई जल्दी से जल्दी हो। ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी तरफ से प्रयास नहीं हो रहे, ईमानदारी से प्रयास नहीं हो रहे। जो भी इसमें अगर कहीं थोड़ी बहुत कमी है, उसे हम केंद्रीय कमेटी के माध्यम से उसको दूर करेंगे और उसमें और काबिल वकीलों को अगर जोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो उनको जोड़ा जाएगा। सर, एक सवाल जो सबसे हटके है, जो हमारी सरकार है, मोदी सरकार है, जो भी सरकार है यूपी में, अन्य स्टेट में भी बहुत सारी सरकार चल रही है, जो बीजेपी है खासतौर पर, वो मंदिर के नाम पर राजनीति करती है, वो राम मंदिर बनाने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो दलितों का मंदिर बताया जाता है, रविदास मंदिर, वहाँ
इस मंदिर के लिए क्यों नहीं वो कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों नहीं वो सपोर्ट कर रहे हैं इस समाज को? देखिए, ये सपोर्ट करने की बात तो अपने आप खत्म हो जाती है जब संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सहारा लेकर के गिरा दिया जाता है। ऐतिहासिक मंदिर जो 600 साल पुराना मंदिर है उसको गिरा दिया जाता है, तो सपोर्ट का तो मतलब ही नहीं है। वो एक्चुअली क्या है, उस बेशकीमती जमीन को अपने भूमाफियाओं के माध्यम से कब्जे में लेने के लिए मंदिर गिराया गया है। सीधे सीधे ये जमीन को कब्जाने का मामला है। वो बहुत बेशकीमती जमीन है जो संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम को सिकंदर लोधी ने 600 साल पहले दी थी, तो समर्थन का मसला नहीं है, इस भूमि को कब्जा लेना चाहते हैं। सर, आपने बताया कि कब्जा जमीन कब्जाना चाहते हैं, सरकार की नीयत ठीक नहीं है जमीन को लेकर, या जो रविदास जी की विचारधारा है, जो समाज सुधारक बताए गए हैं पूरे वर्ल्ड में नंबर वन, उन्होंने जातिवाद का भी विरोध किया, समाज में ऊंच नीच का विरोध किया, कहीं ना कहीं क्या नहीं लगता कि आपको जो मोदी सरकार है, जो मनुवादी ताकतें हैं, वो विचारधारा को तोड़ने की कोशिश की गई है मंदिर गिराकर? ये एक साजिश तो है, मैंने आपको बताया। और अंबेडकरी विचारधारा को दफनाने के लिए, हमारे संतों महापुरुषों की विचारधारा को दफनाने के लिए ये सारे हथकंडे मनुवादियों द्वारा और आरएसएस की द्वारा, बीजेपी के द्वारा, सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। सर, ये जो अब चुनाव आ रहे हैं कई राज्यों में, हरियाणा है, दिल्ली है, बाकी वोट, तो क्या ये मुद्दा बन सकता है चुनाव में दलितों की? ये पूरा मुद्दा बनेगा, देखिएगा आप, ये मुद्दा बहुत विशाल बनेगा, बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। चाहे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर उन्होंने ढाया हो, या अभी 17-18 की रात में भगवान वाल्मीकि का मंदिर लखनऊ के अंदर, पीजीआई के अंदर ढाया हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति 10 सितंबर को इन्होंने गुना महेश्वरी के अंदर तोड़ी और 750 लोगों पे मुकदमे दर्ज किए हो, 110 लड़कों को गिरफ्तार किया हो, ये सारा मुद्दा बनेगा। और हमारे समाज के लोग दिल्ली हरियाणा पहुंच करके इनके खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। आखिरी सवाल है सर आपसे, जो छाण में लोग गिरफ्तार हैं पिछले 21 अगस्त को, उनमें छाण में से जो 56 जो लोग हैं उनमें वो हरियाणा के हैं, तो ये जो 56 लोग हैं उनके परिवार हैं, क्या ये जो हरियाणा में चुनाव हैं अपनी वो ताकत दिखा पाएंगे कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है? देखिए, बहुजन समाज के लोग बड़ी संख्या में हर सूबे में है, हरियाणा उससे अलग नहीं है। हरियाणा में भी बड़ी संख्या में SC BC अनुसूचित जाति के लोग हैं, भगवान वाल्मीकि के अनुयायी हैं, बाबा साहब के मानने वाले हैं, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के अनुयायी हैं, तो वो चुप नहीं बैठने वाले हैं और इनका बाजा बजा के रहेंगे आने वाले चुनाव में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।